सबसे पहले वही माइंड में आता है एक्सपल्स 200 हीरो की। और जैसे कि मिडिल क्लास बंदे का यही सपना रहता है कि वो रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदे, मेरा भी था। देन अपने पास दो ऑप्शन थे, पहला था BMW 310 GS और सेकंड था KTM एडवेंचर 390। गुड मॉर्निंग एवरी वन, सो वेलकम टू स्ट्रे ऑन रोड, दिस इज़ आशीष योर फ्रेंड हेयर। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:50 AM। अभी हमें अपनी डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए 1.5 आवर लगेगा, जो कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। तो आज हमारा कुछ प्लान है थोड़ा डिफरेंट, और आज हम सोलो राइड कर रहे हैं और आगे जाके हमें फ्रेंड्स मिलेंगे। क्या प्लान है वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और गाइस, आज मेरा फर्स्ट टाइम है KTM एडवेंचर पे हाईवे राइड। और जो लास्ट वीडियोस मैंने डाले, फर्स्ट वीडियो पे मेरे को काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तेरे पापा को वाइट बाइक पसंद थी तो तूने ऑरेंज क्यों ली, क्योंकि तेरे पास ऑलरेडी KTM 125 ऑरेंज कलर है, फिर से क्यों लिया। बट कैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑरेंज देखी थी बाइक, तो होता ना लव एट फर्स्ट साइट, पर मेरे को इस कलर से वो हो गया था। मुझे वाइट कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, वैसे सबका पर्सनल ओपिनियन रहता है, बट मेरा ऐसा है कि मुझे KTM मतलब ऑरेंज ही रहनी चाहिए। और चीज़ है कि जब मैंने बाइक लेने का प्लान किया था, मैंने स्टार्ट किया था ड्यूक 200 से। देन फिर मैंने सोचा कि थोड़े और पैसे डाल के 250 आ जाएगी और थोड़े से फीचर ज़्यादा मिल जाएंगे, फिर मैंने 250 लेने का प्लान कर लिया। देन मेरे दोस्त स्वप्निल, उन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया मुझे कि अगर आप ले रहे हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा वो डाल के एडवेंचर बाइक लो। देन एडवेंचर बाइक का फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे लगा कि ये सबसे फिट बैठती है मेरे लाइफ में, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन है एक बाइक से ये वो सब फुलफिल कर सकती है। फिर बात आती है कि ऑप्शन है अपने पास बहुत सारे, तो उनमें से चूज़ करना। देन चूज़ करने का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले वही माइंड में आता है एक्सपल्स 200 हीरो की। बट मुझे कम्प्लीटली ऑफ रोड बाइक नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी कि जो मुझे हाईवे पे अच्छे से टूर करा सके। और इम्पल्स पूरी ऑफ रोड बाइक के लिए ज़्यादा अच्छी है, अगर आप पूरी ऑफ रोडिंग करने वाले हो तो उसके लिए बेस्ट है, बट मुझे वो, इसलिए मैंने वो ऑप्शन छोड़ दिया। देन सेकेंड ऑप्शन था कि रॉयल इनफील्ड, और जैसे कि मिडिल क्लास बंदे का यही सपना रहता है कि वो रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदे, मेरा भी था जब तक मैं कॉलेज में था। कॉलेज के बाद मेरा यही था कि मेरे को रॉयल इनफील्ड लेनी है, बट वो सपना फिर जब लेने का टाइम आया तो मुझे लगा कि रॉयल इनफील्ड नहीं, थोड़ी और चाहिए मुझे, थोड़ा और ज़्यादा पावर चाहिए। अब मैंने ऐसे ही प्लान किया कि अभी बाइक तो हम लेने नहीं वाले इसके बाद, नहीं फ्यूचर में जल्दी। वैसे हिमालयन का कैसा है, जैसे कि मैंने वीडियोज़ देखे यूट्यूब पर, तो मुझे वो लगा नहीं कि वैसी बाइक लेनी चाहिए मुझे, बिकॉज उसका इनिशियल पिकअप अच्छा है, इनिशियल पावर अच्छी है, बट हाई स्पीड पे वो उतनी स्टेबल नहीं है। देन अपने पास दो ऑप्शन थे, पहला था BMW 310 GS और सेकंड था KTM एडवेंचर 390। अब रीज़न ऐसा है कि अगर आप लुक्स पे जाओगे, BMW की लुक्स जो है वो किसी को भी पसंद आएंगी, इवन सबको पसंद आएंगी, और मुझे भी फर्स्ट लुक उसका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट उसको ना लेने का रीज़न यही था कि जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है, और सेकंड चीज़ उसकी कोई भी एक्सेसरीज लेने जाओगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट वो जो बाइक है ना एकदम ज़बरदस्त बाइक है लुक्स वाइज। हाँ, इंजन थोड़ा इससे कम है, 310 CC का है, बट स्टिल इनफ पावर जनरेट करता है जितनी हम मेरे को चाहिए थी। बट मेरा रीज़न वही था कि मेंटेनेंस मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो बाइक मैंने ना लेने का डिसाइड किया। अब हम थोड़ा हाईवे से बाहर आ चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन है 14 किलोमीटर्स। अब आप देखिए थोड़ा विलेजेस साइड,
ऐसे विलेजेस वाली साइड पे जाना बाइक पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंस्टेड ऑफ पूरा खुला हाईवे हो। और बट मेरे को थोड़ा सा चाहिए ग्रीनरी रहनी चाहिए चारों तरफ, थोड़े हिल्स रहने चाहिए, क्या मज़ा आता है यार ऐसी जगह पे। जाएंगे वैसे जगह पे भी, बट अभी देखते हैं आगे जाके क्या मिलता है हमें। और गाइस सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस शॉर्ट ट्रिप पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी एटीएम गया तो मैंने पूरी कैश को सैनिटाइज़ किया, अपने एटीएम कार्ड को सैनिटाइज़ किया, हैंड्स को सैनिटाइज़ किया। तो राइड करो बट विथ सेफ्टी और प्रिकॉशंस। और अभी मैंने हेलमेट के अंदर भी मास्क लगाया हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि लास्ट 6 मंथ से हम अंदर थे घर के, और यार वायरस है, कोई कुत्ता बिल्ली तो है नहीं है कि आपके घर के पीछे पीछे आएगा आपके और आपको समझ आ जाएगा। तो सेफ्टी तो भाई रखनी पड़ेगी हमें। तो सेफ्टी रख रहे हो तो साथ में अगर आप बाहर निकल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आईटी में हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे या संडे को ही बाहर निकल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि 7 दिन में एक बार बाहर निकलना विद सेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये तालेगांव ढमढेरे, एक छोटा सा विलेज। अभी भी 9 किलोमीटर्स हमें और जाना है और ऐसी रूट रहने वाली है मज़ेदार। A few minutes later. वेलकम बैक। सो अभी हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है भीमा नदी का डैम। और हमारे साथ कुछ मेरे दोस्त भी हैं, ये हमारे किरण और ये ओमकार जो इसी गांव के हैं, और उन्होंने ये प्लेस सजेस्ट की थी मेरे को और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। अगर हम प्लेस की बात करें, यहाँ पे ग्रीनरी, पानी और हिल्स जो एक राइडर को चाहिए यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे खड़ी है हमारी KTM 390 एडवेंचर। सो मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त यहाँ की डिटेल बता सकते हैं इस प्लेस के बारे में, क्योंकि वो यहीं के लोकल हैं। तो हम बात करते हैं अपने फ्रेंड से। तो गाइज अभी हम भीमा रिवर के डैम पे हैं, आप इस साइड में देख पा रहे होंगे राइट साइड में, तो ये दौंड तालुका इधर इस साइड में है। और हमारी जो लेफ्ट साइड है इस साइड में आप देख सकते हो इस साइड में शुरू तालुका है, और ये जो भीमा रिवर का डैम है ये दोनों तालुकास को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि ये ब्रिज कनेक्ट करता है दो गाँव को, जैसे हमें ओमकार ने बताया, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे किरण से कि ये दो गांव कनेक्ट करने के लिए और कोई रोड जाता है या ब्रिज जाता है क्या यहाँ से? यहाँ पे पीछे 20 किलोमीटर है जो विट्ठलवाड़ी से जाता है, लेकिन जब बहुत बारिश होती है तो वो पानी के नीचे जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो सिर्फ यही ब्रिज है जो दौंड और शुरू को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा है या फिर फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है, नेचर अच्छा है यहाँ पे। ओके, सो हम अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कहाँ पर ऑफ रोडिंग करने के लिए यहाँ पर प्लेस है, क्योंकि किरण यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारी ऑफ रोडिंग के लिए हम जा सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स, वो आप आगे वीडियो में देख लोगे। अब आप इन्जॉय करो थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स।